गोलाघाट जिले के बोगीतला बागान के 40 श्रमिकों ने वन कर्मियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें 2 वन कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वन कर्मियों की पहचान रूपकांत गोगोई और जहरुद्दीन अहमद के रूप में की गई है। यहां बता दें कि कल हाथियों के हमले में एक महिला सहित 8 वर्षीय बच्चे की निर्मम मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि इलाके में हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वनकर्मियों की उदासीनता के कारण कल 2 लोगों की मौत हुई। उधर वनकर्मियों पर हमले के संदर्भ में गोलाघाट थाने में एक मामला भी दर्ज कराया गया है। যে ইয়াত হাতীয়ে ঘৰ ভাঙিছে আহক, তো আমি লৰালৈকে গুচি গ'লোঁ। গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আমি স্পটত নোপোৱা আগতে 100-150 মানুহে আমাক আগৰি আগুচি পেলাই গাড়ীয়ে চাই ভাঙি মানুহকেইটাকো মানে মাৰিছে মেলিছে, মানে অপব্যৱহাৰ কৰিছে। গাঁৱৰ ৰাইজে হয়, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ 5 জন আছিলে, 5 জনৰ ভিতৰত 2 জনে আঘাত পাইছে। তেখেতলোকৰ মানে মাৰ হেৰি লাখুটি মাৰ লাগিছে। নামকেইটা কি? ৰূপকান্ত গগৈ লাখুটি মাৰ লাগিছে আৰু জহিৰুদ্দিন আহমেদৰ 2-3 জন মানুহ ঘুচি আছে।